दोस्तों नमस्कार, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आप सभी देख रहे हैं YouTube चैनल अमेठी ब्लॉग। दोस्तों यूपी में पंचायत चुनाव का जो है आगाज हो चुका है और यूपी में पंचायत चुनाव के लिए जो है नई पंचायत पर काम तेजी से चल रहा है। जहां 2015 में नई पंचायत का गठन नहीं हुआ था, वहां के जिला पंचायत अधिकारी कार्यालय को इस समय नई पंचायत के प्रस्ताव मिल रहे हैं। हम बात करते हैं अकेले गोंडा जिले की, तो वहां पर 474 नई पंचायतों का गठन प्रस्ताव जो है मिल चुका है। और पंचायत राज अधिकारी सभाजीत पांडे बताते हैं कि गांव से पंचायत के लिए आए प्रस्तावों पर आपत्ति 26 नवंबर से 2 दिसंबर तक ही ली जाएगी। इसके बाद प्रस्तावों का निरीक्षण होगा। शासन द्वारा तय किए गए मानक पूरा करने वाले गांवों को ही पंचायत का दर्जा देने की संतुष्ट की जाएगी। सीडीओ शशांक त्रिपाठी ने बताया कि पंचायत के पुनर्गठन के लिए शासन की जारी आदेशों का अध्ययन किया जाएगा, इसी आधार पर प्रस्ताव पर विचार किया जाएगा। सभी प्रस्ताव पर आम लोगों की आपत्ति ली जाएगी। अधिकारियों के मुताबिक गोंडा में 23,000 लोगों ने करीब 474 नई पंचायतों के गठन का प्रस्ताव दिया है। इन प्रस्तावों की जांच करके बुधवार को सूची जारी होगी। वर्ष 2015 में नई पंचायत के गठन की कार्रवाई देरी से प्रस्ताव भेजे जाने के कारण नहीं हो पाए थे। इस बार हर प्रस्ताव के नियम के आधार पर मंथन करके कार्रवाई की जाएगी। पंचायत चुनाव से पहले नई पंचायतों का गठन होगा। वर्ष 2015 में 149 नई पंचायतों के गठन पर सहमत बनी हुई थी। जिला स्तरीय कमेटी ने संशोधन भी कर दी है। प्रस्ताव लेने के लिए 14 दिन का समय तय किया था। इसमें करीब 474 नई पंचायतों के गठन के प्रस्ताव विभाग को मिले हैं। प्रत्येक गांव में 50 या इससे अधिक लोगों ने प्रस्ताव दिया। ऐसे में करीब 23,000 लोगों की ओर से गांवों को पंचायत बनाए जाने का प्रस्ताव जमा किया गया है। माना जाता है कि लोग अपने मन मुताबिक पंचायतों के गठन के लिए पूरी ताकत लगाए हुए हैं। कई राजस्व गांव भी ऐसे हैं, वह मानक भी पूरे करते हैं, उनका जो पंचायत बनना लगभग तय है। ऐसे गाँव की संख्या करीब 180 बताई जा रही है। फिलहाल आपत्तियों के बाद नई पंचायत के गठन का स्वरूप तय हो सकेगा। हम आपको बता दें कि वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार जो है नई पंचायत ग्राम पंचायत के क्षेत्र में परिवर्तन का प्रस्ताव संबंधित ग्राम पंचायत अथवा उस ग्राम पंचायत के 50 या उससे अधिक निवासियों की ओर से मिले प्रस्तावों पर ही विचार होगा। ग्राम पंचायत क्षेत्र का गठन जनगणना वर्ष 2011 के प्रकाशित आंकड़ों के आधार पर होगा। किसी ग्राम पंचायत के पंचायत क्षेत्र के निर्धारण के लिए किसी राजस्व ग्राम या मजरे को विभाजित नहीं किया जाएगा। किसी ग्राम पंचायत के प्रादेशिक क्षेत्र में केवल ऐसे राजस्व ग्राम ग्रामों को सम्मिलित किया जाएगा जो भौगोलिक दृष्टि एक दूसरे से निकट हो। राजस्व ग्राम या ग्रामों को किसी पंचायत क्षेत्र में संबंधित करने से यह भी ध्यान रखा जाएगा कि उसके मध्य दूसरी ग्राम पंचायत का कोई प्रादेशिक क्षेत्र न पड़ता हो तथा ग्राम पंचायतों से सम्मिलित किए जाने वाले राजस्व ग्राम के बीच में कोई नदी नाला पहाड़ या कोई प्राकृतिक अवरोध उनके बीच में आवागमन में बाधक ना हो। तो दोस्तों ये थी जो है यूपी पंचायत चुनाव 2020 के बारे में कुछ जानकारियां। हम आपको बता दें कि जल्द ही जो है चुनाव होने वाले हैं और ये चुनाव हम आपको बता दें कि 2020 में ना होकर के अब 2021 में होंगे और इनकी जो है जो भी अपडेट आती है हम आप लोगों के साथ में साझा करेंगे। तो दोस्तों अगर आपको प्रधानी या फिर ग्राम पंचायत या फिर जो है पंचायत चुनाव में कोई जो है इंटरेस्ट है तो आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं क्योंकि हम आपको लगातार ऐसी जानकारियां देते रहेंगे। मैं अमेठी उत्तर प्रदेश से अंकुर तिवारी और आप देख रहे थे यूट्यूब चैनल अमेठी ब्लॉग। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।